नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी आप सभी के सामने फिर दोबारा से उपस्थित हूं। आज एक बहुत बेहतरीन सेशन की शुरुआत करने के साथ साथ, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी इस वक्त आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का एग्जाम चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, आने वाले टाइम पर यूपी पैट का भी एग्जाम आना है और भी काफी सारी आगामी परीक्षाएं, जहां से ये सेशन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा सेशन है जहां से बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो बिना देरी करे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमारे लिए क्या स्पेशल है जो आपको मुझे देना है, देखते हैं जी। आप सभी लोग जानते हैं इनको, ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये देश के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी हुई द्रौपदी मुर्मू के साथ आपको बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम यही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति। हम ये भी जानेंगे कि राष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है। हम ये भी जानेंगे इनकी चुनावी प्रक्रिया क्या होती है। हम ये भी जानेंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कब चुन के आए, या फिर राष्ट्रपति जब भारत के थे क्या उससे पहले कोई देश नहीं चला रहा था, क्या उस वक्त देश को चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, या उस पद पर जो बैठे हुए थे वह कौन थे, हम ये भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि राष्ट्रपति इलेक्शन में कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, कौन एग्जेम्प्टेड होता है या पार्टिसिपेट नहीं करता, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। करते हैं शुरुआत अपने सेशन की, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले बेटा, हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों मैं एक छोटी चीज आपको बताऊंगा, मुझे पता है प्रीवियस आपने वीडियो मेरी देखी होगी, उसमें आपने देख ही लिया होगा कि मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का। तो ये भारत का जो शब्द है ना, ये दोस्तों सबसे पहली बार 26 जनवरी 1950 जब आपका संविधान लागू हो गया था तभी से हमने इसकी शुरुआत करी। और अगर हम बात करें भारत में पहले राष्ट्रपति, तो ये बात एक अलग हो जाती है, इसलिए भारत में अलग होता है, भारत का अलग होता है, ठीक है। तो ये भी चीज हमें समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात बिल्कुल शुरुआत से करते हैं कि इस वक्त आपको अच्छे तरीके से पता है कि कौन इस वक्त कौन है इस पद पर कौन है इस वक्त प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है हमारी, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इस वक्त कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और आपको अच्छे तरीके से पता है ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं आकर, यानी कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों एक मेरा सवाल आपसे यहीं से है, यहीं से चीजों को सीखते हुए चलेंगे। तो क्या ऐसा हो संभव होगा कि द्रौपदी ने इस चुनाव को जीतने के लिए किसी व्यक्ति को हराया होगा, यानी कि अगर ये एक अपोनेंट भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस वक्त होंगे, जिनका नाम क्या था? यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा। ध्यान रखना एक छोटी सी चीज, जिस वक्त रामनाथ कोविंद साहब, कौन थे? रामनाथ कोविंद साहब, ठीक है। रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के 14th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक आर्टिकल है हमारा 62, आर्टिकल कौन सा है हमारा? 62, जिसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जो इस वक्त पदासीन, जो पद पर बैठे हुए अभी राष्ट्रपति हैं, वो अपने पद को जब तक छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक उस व्यक्ति या उस पद पर बैठने वाला कोई अन्य व्यक्ति चुनकर ना आ जाए। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 62 में। और ये भी लिखा हुआ है उसके अंदर कि जब तक एक महान व्यक्ति चुनकर नहीं आएगा, तो उस वक्त जो पद पर बैठे हुए प्रेसिडेंट होंगे उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेटर को चुनकर पहुंचाया जाता है उस पद पर, जिसके अंतर्गत आपको याद होगा कि द्रौपदी मुर्मू इस इलेक्शन को जीत गई। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटर किस पार्टी से थी, तो रिप्रेजेंटेटर किसकी थी? वो एनडीए की। अब ये एनडीए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछी जाती है और काफी बार पूछी भी गई है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये वही लोग हैं जो या तो बीजेपी या बीजेपी के समर्थक है, यानी कि जो भी पार्टी बीजेपी के साथ काम कर रही है या बीजेपी के साथ इस पद के लिए चुने हुए व्यक्तियों के साथ आई है, उनको हम लोग बोलते हैं एनडीए, ठीक है। और एनडीए का गठन 1998 में किया गया,
ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। 1998 में इसका गठन किया गया। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, आपसे एग्जाम में काफी बार ये भी पूछा जाता है कि जी एक अलायंस तो और होता है, कौन सा? यूपीए अलायंस। और यूपीए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, जिसको जिसको 2003 में बनाया गया। क्या बनाया गया? यूपीए भी एक ऐसा अलायंस है जिसको 2003 में बनाया गया। एक एनडीए अलायंस है जो किसमें गया? बीजेपी के साथ। तो ये लोग कौन है? बेसिकली जो यूपीए है ना वो किसका है? कांग्रेस प्लस का है, ये बात याद रखना। कांग्रेस प्लस यानी कि जो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के इस रिप्रेजेंटेटिव को वोट दें वो कहां जाते हैं? हमारा यूपीए के साथ। ये गठबंधन है जिस गठबंधन के तहत जो है एक प्रोटोकॉल है जिसको ये लोग पालन करते हैं। अब का सवाल यहां से आपसे पूछा जाता है क्या कि भाई ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो नहीं होंगे, कि भाई किसी ने बताया कि भैया राष्ट्रपति पद का जो है अभी इस वक्त चुनाव होना है तो एक चाय वाले को पकड़ लाते हैं या एक पान वाले को पकड़ लाते हैं कि भैया तू अच्छा चूना लगा रहा है तो चल भाई एक बढ़िया सा पद है वहां पे चूना लगाने के लिए बिठा दे। यानी कि ये एक देश के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटर है तो कोई आम व्यक्ति तो नहीं होंगे ना, कोई ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है ना कि कल को इलेक्शन में खड़ा हो जीत जाए और उसको बना दे, नहीं है ना। उसकी क्या होती है? एक एलिजिबिलिटी होती है, उसकी एक योग्यता होती है। तो कम से कम योग्यता क्या होती है कि यह व्यक्ति कम से कम एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितनी वैल्यू रखता हो। यानी कि आपको पता है द्रौपदी मुर्मू इससे पहले आपको पता है झारखंड की गवर्नर रही हैं और यशवंत सिन्हा साहब ये यूपीए गवर्नमेंट में भी और एनडीए गवर्नमेंट में भी ऑलरेडी मिनिस्ट्री के पद पर काम कर चुके हैं। इसीलिए जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको बेसिकली पता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए या वह व्यक्ति एमपी के योग्य अनुसार कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन तो रखता हो या कम से कम 2 साल तक उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो। ये भी इसकी क्वालिटी है कि भैया ये सब चीजें अगर आप फुलफिल करते हो तब आप आते हो इसके एलिजिबिलिटी में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वह भारत का नागरिक हो। जो भारत का नागरिक होगा उसी को ही यहां पर आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंटेटर बना लेते हो। अब एक बहुत अच्छी चीज, मैंने भी क्या बोला? रिप्रेजेंटेटर। अब ये तो है नहीं ना कि कोई भी व्यक्ति के लिए खड़ा हो जाए, कोई भी व्यक्ति आए और कहे जी मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता हूँ, भाई आपके लोकसभा में मेंबर्स हैं, राज्यसभा में मेंबर्स हैं, कोई भी कल को कह देगा जी मुझे राष्ट्रपति बनना है मुझे बना दो, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकली एक फॉर्म होती है, क्या होती है कि एक एक पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैं द्रौपदी मुर्मू और नीचे कम से कम 50 लोग, कौन 50 लोग? वो जो लिखित में देंगे कि मैं इनका समर्थन करता हूं और कम से कम 50 लोग ओरली इनका समर्थन करते हैं कि हाँ जी इस रिप्रेजेंटेटर को मैं क्या कहता हूं अपना एक चुनावी व्यक्ति या रिप्रेजेंटेटर के तौर पे मैं इसको चुनता हूं, ठीक है। और यह जो पेपर है ये दिया जाता है इलेक्शन कमिश्नर को जिसके अंतर्गत इस चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपसे एलिजिबिलिटी अगर पूछी गई तो कम से कम 50 लोग लिखित और 50 लोग ओरली। आपने देखा होगा जब द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन फिल किया था उस नामांकन के दौरान राष्ट्रपति के साथ यानी कि जो अभी इस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब इलेक्शन का फॉर्म फिल करने के लिए गई थी तो उस वक्त उनके पीछे प्रधानमंत्री और आपके काफी सारे केंद्रीय मंत्री भी थे और वो भी काफी सारे लोग थे। क्योंकि जब ये फिल किया जाता है और इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाता है तो कम से कम पूछते हैं हाँ जी ये 50 लोग कहाँ हैं, उपस्थित हैं, तो अपनी प्रेजेंटेशन वहां पर देते हैं। हाँ जी ये वाले 50 लोग मौजूद हैं, हाँ जी हम लोग मौजूद हैं। तो कम से कम मिनिमल एलिजिबिलिटी क्या है कि 50 लोग लिखित और 50 लोग मौखिक आपका समर्थन करने वाले हैं। तो ये क्या हो गई आपकी एलिजिबिलिटी, ठीक है। इसका प्रावधान हमारे संविधान में भी दिया हुआ है। पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं इसका आगे का छोटा सा आगे पार्ट, बात करते हैं इलेक्शन की। दोस्तों याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हमें पता है कि भाई बेसिकली आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का भी एक क्या हो? राष्ट्रपति हो। आर्टिकल 53 में यह दर्शाया गया है, आर्टिकल 53 में यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति के साथ साथ उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। आर्टिकल 54 के अंदर यह बताया गया है, आर्टिकल 54 के अंदर यह बताया गया है कि कैसा उसका होगा, इलेक्शन होगा। और वो इलेक्शन होता है आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो इसका इलेक्शन होता है वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट नहीं चुनते ना,
हमारे प्रतिनिधि चुनकर जो लोकसभा में बैठे हैं या उनके प्रतिनिधि जो राज्यसभा में बैठे हैं वही इस इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। और आर्टिकल 55 में मेथड ऑफ इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि भैया इसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, यानी कि आप एक बार ही वोट डाल सकते हो, बैलेट पेपर सिस्टम होता है, ये भी इसके अंदर बताया गया है। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं यहां से, उन लोगों के बारे में, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो, उन लोगों के बारे में कौन इसकी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता। हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि भी कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं और कौन लोग इसमें शामिल नहीं होते, जानते इसके बारे में, देखते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से पता है कि केंद्र स्तर पर यानी सेंटर लेवल पर हमारे पास सदन के दो पार्ट हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। लोकसभा के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस वक्त 545 मेंबर हैं, जिसके अंतर्गत 500 लगभग लगभग 543 जो व्यक्ति हैं जिनको राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के भेजा गया है, और दो व्यक्ति वो है जो है एंग्लो इंडियंस, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो जो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करेगा और जो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये जो दो व्यक्ति होते हैं ये तो राष्ट्रपति द्वारा ही चुने जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर एंग्लो इंडियन वोट नहीं डालेंगे। और आपको पता है कि अब जो आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें एंग्लो इंडियन का प्रोविजन ही खत्म कर दिया, तो फिलहाल तो ये दो लोग वोट वोट नहीं करेंगे। इसके अंदर आपके 543 मेंबर हैं जो वोट कर सकते हैं। राज्यसभा के अंदर यह सूची 250 की होती है, 250 लोग जो है इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत भी 238 लोग वो हैं जिनको राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर भेजा जाता है, और 12 वह लोग हैं जिनको राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। अब सोचने वाली बात है, जब राष्ट्रपति खुद चुनेंगे तो ये भी क्या होंगे, इससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, यानी कि ये भी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता है ये वाला जो सदन है केंद्र स्तर पर है, एक राज्य स्तर पर भी होता है, जिसके अंदर आपको पता है एमएलए होते हैं और एमएलसी होती है, यानी कि विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद भी इसका पार्ट नहीं होती, विधानसभा तो वोट डालती है पर विधान परिषद वोट नहीं डालती, एमएलए वोट डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूपी के अंदर 404 विधायक है, बट इसके अंदर भी एक फॉर्मेशन क्या है कि 403 तो लोग हैं जो चुनकर आए हैं और एक व्यक्ति है जो एंग्लो इंडियन होता है, तो यह व्यक्ति भी वोट नहीं डालता। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन लोग हैं जैसे उस चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते या लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपसे एक बार कई बार पूछा जाता है कि कहां कहां पर एमएलसी है, दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना, वैसे इसमें बैठते नहीं है उस वाले सेक्शन में, चलो समझा देता हूं आपको। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, विधान परिषद की सबसे पहले आपसे आर्टिकल पूछ ली जाती है, आर्टिकल 169 के तहत एमएलसी को बनाया जाता है, और यह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं याद करने के लिए, AMBUK यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और आपका कर्नाटक, ठीक है। ये बात याद रखना दोस्तों, सिर्फ इन्हीं 6 जगह पर क्या होती है आपकी एमएलसी होती है, ये विधान परिषद होता है। उसके अलावा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां पर नहीं होती, तो आपको 6 पता है, जहां पर नहीं होती आप माफ कर लेना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते, पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं और कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं या नहीं लेते। अब सबसे पहला व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेते। और अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि इस वक्त सीजेआई कौन है हमारे, तो वो है आपके यूयू ललित, और आपको पता है इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये भी इस चुनाव में नहीं बैठते। दूसरे व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी कहते हैं। अब याद रखना दोस्तों, 124 एक के तहत आपके सीजीआई की नियुक्ति होती है, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 द्वारा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, तो ये भी इसमें नहीं बैठेंगे। तीसरे व्यक्ति हैं आपके सीएजी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस वक्त वर्तमान कौन थे हमारे अभी,
कुछ दिन पहले अटॉर्नी जनरल हमारे कौन थे, के वेणुगोपाल, ठीक है। उसके बाद सीएजी की बात आती है तो ये है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है हमारे? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो ये है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, जिनको चुना गया है। पर ये भी इसमें, इसको भी राष्ट्रपति द्वारा ही चुना जाता है, इसीलिए इसीलिए ये भी इसमें वोट नहीं देते। इसके अलावा एक व्यक्ति और है वाइस प्रेसिडेंट, और एक व्यक्ति और है आपके जो इसमें नहीं बैठते, उनका नाम है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर भी इस चुनाव में नहीं बैठते। तो दोस्तों ये प्रोटोकॉल था कि भाई कौन कौन इस इलेक्शन में बैठता है, कौन कौन इसमें इलेक्शन में नहीं बैठता, ये आपको मुझे समझाना था। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब कुछ एक चीज आप लोगों के लिए और छोटी छोटी सी चीजें, जैसे कि भारत में सबसे पहली बार, भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए किस व्यक्ति को चुना गया, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर बेटा याद रखना, ये वह व्यक्ति हैं जिनको संविधान लागू होने से 2 दिन पहले चुना गया, 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया, और संविधान को लागू कर दिया, ठीक है, और संविधान लागू करने के लिए राष्ट्रपति का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद साहब को 24 जनवरी 1950 को चुना गया। दूसरा, फर्स्ट इलेक्शन, पहला इलेक्शन किसका, राष्ट्रपति पद का, वो कब हुआ था आपका, 3 मई 1952 में, यहां पर भी जीत के राजेंद्र प्रसाद ही आए थे। पॉइंट क्लियर आप लोगों को। अब इसमें ना एक बेसिक चीज और हम लोग ऐड करेंगे कि क्या, कि जब सबसे पहली चीज आपके कौन है, प्रेसिडेंट। अभी हमने बात की कि प्रेसिडेंट कब चुन के आए, 24 जनवरी 1950 में। क्या ये आज भी है हमारे, टिल नाउ, क्या आपको पता है इससे पहले क्या देश नहीं चल रहा था, कौन चला रहा था, उनका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कब से कब तक थे, 16 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक, ठीक है। तो क्या इनसे पहले कोई व्यक्ति नहीं था जो देश को चला रहा था, था जी, उसका नाम क्या था, वायसराय, जिनको कब चुना गया, 1858 में, और लगभग 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। क्या इनसे पहले कोई देश चला नहीं रहा था, बिल्कुल चला रहा था सर, उसका नाम क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको 1833 में चुना गया और 1858 तक उन्होंने कार्य किया। तो क्या इससे पहले देश नहीं चल रहा था, जी बिल्कुल चल रहा था, कौन चला रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाए गए, 1773 से और 1833 तक इन्होंने अपना वर्किंग पीरियड रखा। और क्या इससे पहले देश नहीं चल रहा था, जी बिल्कुल चल रहा था। अब इस पद पर कौन थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो 1757 से 1757, आप लोगों को याद है ना प्लासी का युद्ध, 1757 से 1773 तक इन्होंने कार्यकाल को निभाया। तो ये एक राष्ट्रपति पद की गरिमा को संभालते हुए देश पर रूल कर रहे थे, रेगुलेशन कर रहे थे, और ये पूरा का पूरा क्रॉनिक है। अब इसको आप ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो, आपकी मर्जी है, मैंने क्रॉनिकली आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा पहले राष्ट्रपति कौन थे, अब कौन है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, उसके बाद लास्ट कौन थे, पहले वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय कौन रहे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे, लास्ट कौन रहे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन रहे, बाद में लास्ट में कौन रहे, और गवर्नर ऑफ बंगाल, ये तो चलो मैं बता ही देता हूं छोटा सा, ये तो आप लोग पढ़ ही लोगे मुझे पता है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये आपके पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बने। आपको पता है ये लगभग 1742 में एक छोटे से मुंशी पद के पर काम करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही आए थे। बाद में इन्होंने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी, ब्रिटिश एम्पायर को आगे बढ़ाया, 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े, प्लासी लड़ा, बक्सर लड़ा, इन्होंने काफी युद्ध लड़े और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेबल करने में काफी इन्होंने हेल्प करी। तो ये क्रॉनिकल है, मैं आप लोगों के लिए फिर दोबारा से कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जिसके आंसर आप मुझे करोगे, क्या कि सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम, सबसे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम, पहले वायसराय कौन थे और अंतिम वायसराय कौन थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन और,
क्योंकि जो ये वाला पार्ट रहा है ना आपका, ये वाला, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहा, और ये वाला जो पार्ट रहा ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहा। ब्रिटिश क्राउन यानी कि आपको याद होगा क्वीन प्रोक्लामेशन, जिसको आप लोग रानी घोषणा पत्र कहते हैं। तो रानी ने जो घोषणा पत्र जारी करा, क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, रानी ने जो घोषणा पत्र जारी किया वह भारत की कौन सी राजधानी से किया गया, क्योंकि वह राजधानी सिर्फ एक दिन के लिए बनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाएगा कि भारत की एक दिन की राजधानी कौन से शहर को बनाया गया, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। इसीलिए ऐसे और अच्छी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा, विजन कॉम्पिटेटिव अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।